प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से जब आज हम इस कक्षा में आए हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए और हमारे जीवन को प्रभुमय जीवन बनाने के लिए, ईश्वर के करीब आने के लिए, एक बार फिर से हम आज इस कक्षा में आए हैं। अतः आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, एक बार पुनः मैं मेरे इन युवा साथियों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन तमाम पलों के लिए, क्षणों के लिए। प्रभु, आपने इनको सुरक्षित रखा और इस समय इस घड़ी प्रभु में मेरे इन युवा साथियों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीष देना, इन्हें कृपाएँ देना और विशेष रूप से पवित्र आत्मा इन्हें प्रदान करना। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त कर आज की कक्षा को ये समझ सके और उसे जीवन में लागू कर सके, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। तो प्यारे युवा साथियों, हम ख्रिस्तीय जीवन एक चुनौती के बारे में पढ़ रहे थे और वास्तव में एक चुनौती भरा जीवन ही है। हमने पिछली कक्षा में चार जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा और आज हम पांचवें पॉइंट की शुरुआत करते, वह है ख्रिस्तीय जीवन प्रार्थनामय जीवन। ख्रिस्तीय जीवन प्रार्थनामय जीवन। थिसलनिकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 में लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। मतलब हम निरंतर प्रार्थना करते रहें आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। प्यारे बच्चों, प्रार्थना की आवश्यकता है हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना को हमें अहमियत देना है। हर समय हमें विशेष रूप से सुबह शाम सुख में और दुख में प्रार्थना करना है। बहुत बार हम सुनते हैं और हम देखते हैं, दुख आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, संकट परेशानी आती है, दौड़कर हम प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हम अर्जी करते हैं। लेकिन जब हम सुखमय होते हैं, जब हमारा जीवन सुनहरा होता है, जब हम शांतिमय होते हैं, हम बहुत कम बार प्रभु को याद करते हैं। और इसीलिए हम ये जाने कि सुख में हो या दुख में, हमारा पूरा जीवन प्रभु में समर्पित होना है। मतलब हम सुखी क्यों ना हो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और दुख में तो जरूर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब कभी हमें दुख तकलीफ परेशानी आती है हम प्रभु के पास दौड़ कर जाते हैं। तो जब दुख आता है प्रभु के पास जाते हैं तो सुख भी प्रभु ही हमें प्रदान करता है। तो सुख में भाई हमें ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर से हमें प्रार्थना करना है। तो प्यारे युवा साथियों, आप लोग इस बात पर गौर कीजिए, क्यों मैं प्रार्थना के ऊपर जोर दे रहा हूं। मैं इसलिए प्रार्थना के ऊपर जोर दे रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शारीरिक जीवन के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हमें इसको अहमियत देना है, महत्वपूर्ण स्थान इसको देना है। और जो छठवां पॉइंट है वह है ख्रिस्तीय जीवन रिश्तों का जीवन। ख्रिस्तीय जीवन रिश्तों का जीवन। कलोसियों के नाम अध्याय 3 वाक्य 12 से 14 में लिखा है, कलोसियों के नाम अध्याय 3 वाक्य 12 से 14 में लिखा है, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि को
यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देगा। प्यारे युवा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हमने सुने हैं। इन वचनों में हमने सुना है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, जिस प्रकार से ईश्वर ने हमको क्षमा प्रदान की है। हम बहुधा ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा देने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। और पवित्र त्रित्व के व्यक्ति परस्पर अंतरंग रिश्तों में रहते हैं। त्रिएक ईश्वर प्रत्येक प्राणी में उपस्थित है, तो हमें भी सभी से प्रेम करना है। जिस प्रकार से ईश्वर ने सभी को प्रेम किया, ठीक उसी प्रकार हम सभी को एक दूसरों से प्रेम करना है। हम भेदभाव ना करें। बहुत बार हम देखते हैं लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ईश्वर ने सबों को समान रखा, ठीक उसी प्रकार हमें भी बिना भेदभाव किए एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और सातवां जो है वह है ख्रिस्तीय जीवन, दूसरों के हित समर्पित जीवन। ख्रिस्तीय जीवन दूसरों के हित समर्पित जीवन। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 12 में लिखा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 12 में लिखा है कि दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। तो ख्रिस्तीय जीवन दूसरों को समर्पित जीवन है। तो जिस प्रकार से हम दूसरों से आशा करते हैं कि वो हमारे से अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। और हमारा जीवन चार दीवारी में ही सीमित न रहे, गिरजे घर तक ही सीमित न रहे, हमें बाहर जाकर दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों की मदद करनी है। और बहुत सारी जो कुरीतियां है, दहेज प्रथा है, महिला उत्पीड़न है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, इनके विरुद्ध हमें काम करने की आवश्यकता है। तो यही है ख्रिस्त जीवन, दूसरों को समर्पित जीवन। और जो आठवां और अंतिम है वह है ख्रिस्तीय जीवन साक्ष्य का जीवन। ख्रिस्तीय जीवन साक्ष्य का जीवन। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13-16 में हम पढ़ते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13-16 में हम पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्यारे युवा साथियों, ख्रिस्त जीवन वह है जिसमें प्रभु येसु प्रतिबिंबित हो। हमारे सोच विचार, हमारे वचन, हमारे कार्य, ये सभी स्वयं प्रभु के मनोभाव के अनुसार हो। हम हमारे वचनों को, हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को प्रभु के मनोभाव के अनुसार ढालें। तो इस प्रकार से ख्रिस्त जीवन साक्ष्य का जीवन हो जाएगा। हमारे खुद के व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे कार्यों से दूसरों को लगे कि हम वास्तव में ख्रिस्तीय हैं। हमें किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य प्रभु के अनुरूप हो, प्रभु की इच्छा के अनुरूप हो, तो जरूर दूसरे हमारे जीवन को देखकर वो बोल सकेंगे कि वास्तव में हम ख्रिस्तीय हैं और हमारा जीवन ख्रिस्त के अनुरूप जीवन है। तो इस प्रकार से प्यारे युवा साथियों, ये पूरा अध्याय हमने समाप्त किया। इस पूरे अध्याय को हमने 8 भागों में विभाजित किया था और इन 8 पॉइंट्स को
हमने डिटेल्स में बारीकी से हमने पढ़ा, और मेरा विश्वास है कि आप घर जाकर इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़कर आएंगे। तो हर कक्षा की भांति इस कक्षा में भी अब जब समाप्त हो गई है, हमारा अध्याय भी समाप्त हो गया है, तो मैं एक बार फिर से आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों को आप घर से पढ़कर आना। तो पहला प्रश्न है, क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार से प्रभु येसु से संयुक्त जीवन है? क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार से प्रभु येसु से संयुक्त जीवन है? दूसरा है, क्रिस्तियों के लिए संस्कारों में भाग लेना क्यों आवश्यक है? क्रिस्तियों के लिए संस्कारों में भाग लेना क्यों आवश्यक है? तीसरा है, क्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा में संयुक्त जीवन है? क्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा में संयुक्त जीवन, तो क्रिस्तीय जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है? क्रिस्तीय जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है? चौथा है, ईश वचन को आप क्यों महत्व देते हैं? हम पढ़ते हैं ईश वचन के बारे में, तो ईश वचन को आप क्यों महत्व देते हैं? पांचवा और अंतिम है, क्रिस्तीय साक्ष्य से आपका क्या अभिप्राय है? क्रिस्तीय साक्ष्य से आपका क्या अभिप्राय है? तो इस प्रकार से प्यारे युवा साथियों, हमने आठवां अध्याय खत्म किया है। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को दिए हैं, आप इन प्रश्नों को घर से पढ़कर आना। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय।